बैल किधर है? बैल तो झाड़ी में है। किस तरफ से गए हो? इस तरफ से गए अंदर। इसमें कैसे जाएंगे? रोड में मिला ये, मैं खड़ा हो गया, मैंने इसका फोटो खींचा, ज्योति को भेजा। ज्योति ने बोला कि आप रुक जाओ यहाँ पे। अब ये एरिया बड़ा है ना, मैं एक तरफ ये रास्ता है, नीचे रास्ता है, रोड है, मेरे को अकेले को पता लगे। मैंने बेटा बुलाया अपना, ये आया, फिर ज्योति ने एक लड़का और भेजा, तो हम तीन है, एक वहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और मैं बाहर रोड पे, जिस तरफ भी निकलेगा पता लग रहा अंदर झाड़ियों में है कहाँ पे। अभी है अंदर जाने का शूट करना? नहीं नहीं, कैमरा नहीं जाएगा, कैसे जाना, देखो कैसे। आप यहाँ रहे ना, मैं नीचे जाता हूँ। नहीं होना चल, अच्छा रस्सी देना। अंदर बैठा नहीं है, रस्सी मिल गया? हाँ मिल गया, अंदर चलते हैं। अरे अंदर इधर से मुश्किल है। नहीं खड़ा खड़ा आया, हर बार बैठ जाएगा इस। बाहर है रोड पे? नीडा लगी है, ये दिख नहीं रही है, गिर गई शायद झाड़ियों में। ठीक है रहने दो, जा रहा है ये। पूरे सीन में कीड़े हैं, बहुत स्मेल आ रहा है। स्मेल तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा। जहाँ बैठा उस एरिया पूरे में स्मेल नहीं, स्मेल से तो पता लगा इसका कि कहाँ बैठा है। कपड़े लाए गए थोड़े, आपके एरिया में कुछ तकलीफ है लोगों को भी में ना? बड़ा बुरा हाल है भाई का। कान नहीं रहा क्या, बड़ा टोकर के चक्कर में कान काट दिए। पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ। ऊपर का पार्ट निकल गया, पानी पिलाओ इसको। यार रस्से में ये खड़ा हो रहा है। इस बेचारे बैल के सर पे रस्सी तो लोगों ने इसलिए बांध दी थी ताकि वो इसको कंट्रोल कर पाए, और कंट्रोल वो इसको इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो इसको जला मारना चाहते थे। लोग तो इस काम में विफल हो गए, पर फिर वही काम कीड़ों ने जारी रखा। फर्क सिर्फ इतना था कि लोग इसको जिंदा जलाना चाहते थे और कीड़े इसको जिंदा खाते रहे। हमने इसका नाम नर्क इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसकी जिंदगी जीते जी नर्क जैसी है,
बल्कि इसलिए ताकि वो सभी लोग जिन्होंने इसके हिस्से का दूध पिया, जिन्होंने इसके हिस्से का दूध बेचा और जिन्होंने इसके साथ ये किया, उनको याद रहे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। हो गया, गुड बॉय ना तू, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, क्यों नाटक आ रही है, क्यों ऐसी नाटक आ रही है? इंजेक्शन लगाने मैंने। रसबरी जब हमारे पास आया तो इसके आगे के दोनों पैर टूटे हुए थे। हमने इस तरह बैंडेजिंग कर दी थी कि उसके दोनों पैरों में कोई हरकत ना हो और शायद वो जुड़ जाएं। सही वे में उसकी बैंडेजिंग हो रही है नहीं, ये जानने के लिए तो एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है ना। तो अब जा ही रहे हैं तो सर ने बोला कि इसको भी भेज ही देते हैं करके, तो अब इसको भी भेज रहे हैं। तो सर ये कैसी चीज़ का इंजेक्शन लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? एक एंटीबायोटिक के पेन किलर है। फ्रंट लेग है तो फ्रैक्चर ही ना, मूवमेंट रोकने के चक्कर में हिले गए ना। अब मैं आपको हमारी लार्ज एनिमल सेंचुरी के तीन और एनिमल्स के बारे में बताता हूँ। दो तो वो हैं जिन्होंने अभी वहाँ जाना है, लेकिन चिंगारी जो वहाँ पहले से रहती है फिर से यहाँ पे इलाज के लिए अब तीसरी बार आई हुई है। वापस को लेके आए चिंगारी को? चिंगारी का जहाँ पे पहले ट्यूमर था ना, उसके लिए वो आई थी हमारे पास। वो ट्यूमर वाले साइड से वापस से एब्सेस होके बर्स्ट हो गया। वो ये ओपन रहते हैं ना, तो वहाँ पर कीचड़ है थोड़ा, बारिश है इतनी है तो हो ही जाता है। तो यहाँ रहेगी तो थोड़ा बेटर क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा और हम लोगों को भी आसानी होगी थोड़ा नज़र रखने पे। यहाँ पहले ट्यूमर था इसको, इसकी सर्जरी हुई थी ट्यूमर की, तो दोबारा ग्रो हो रहा है ट्यूमर इसका। जो ये कॉन्स्टेंट हो गया इसी जगह रुक गया हुआ है, ना कम हो रहा ना बढ़ रहा है इससे। फिलहाल के लिए जो नए रेजिडेंट्स हैं उनमें से पहला है हुक। तो क्या हुआ है ना कि बचपन में इसका फ्रैक्चर हुआ होगा यहाँ से, ठीक है। अब वो फ्रैक्चर की वजह से ये जो जॉइंट से पैर उतर गया है ना, अब वो पैर उतरा हुआ सेंसेस तो रहेंगे नहीं। फिर ये जो चलता है तो उसमें इसका जो पैर है फ्रंट लेग वाला, मूवमेंट की वजह से ये ऐसे ही सेटल हो गया। देखो टेढ़ा, नीचे हमेशा घसने की वजह से घाव बना रहता है इसके। घाव तो चलो अभी हम हील कर लेंगे, लेकिन उस हीलिंग के बाद जब हम इसको वापस अगर रिलीज़ करते हैं इसके एरिया में, तो ये घाव फिर बन जाएगा इसको और ये वापस सेम स्थिति में पहुँच जाएगा। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि हम इसको एक बार यहाँ पर खून हील हो जाए हॉस्पिटल में, और उसके बाद फिर हमारे सेंचुरी में इसको हम शिफ्ट करेंगे ताकि इसकी फॉरएवर केयर हम कर सके, इसको अडॉप्ट करेंगे। तुमने देखा ही जब मूव हुआ तो कितना, मतलब इतने से मूव के लिए कितनी दिक्कत हुई इसको। जैसे जैसे वजन बढ़ेगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। पैर में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, इसको दर्द ही बढ़ेगा इसका बस। देखते हैं मैं एक बार फिर से। और दूसरी रेजिडेंट होने वाली गाय है शगुन। इसको हमने शाहपुर से रेस्क्यू किया था और इसके ना इस वाले हिस्से में इतना ऐसे सुपरफिशियल वुंड था, सिर्फ मसल डैमेज मतलब स्किन डैमेज थी। वो तो चलो हील हो गया है, लेकिन जो इसका ये शोल्डर है ना, ये डिसलोकेटेड है अभी। ऐसा है कि पेन और सूजन तो कम हुई है, लेकिन ये पोर्शन हार्ड हो गया है और ये अब लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही रहने वाला है। नीचे वाला हिस्सा होता है तो फिर भी हमारे पास स्प्लिंट का, प्लास्टर का ऑप्शन होता है, बट यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। हमारी सैंक्चुरी तो बहुत जल्द भर जाएगी और फिर वहाँ पे तभी कोई जगह बनेगी जब वहाँ से कोई बेचारा जानवर ख़त्म होगा। लेकिन जब ऐसा हुआ कि जगह बनी एक और हमारे पास ले जाने वाले गाय बैल हैं दो, तो वो जगह ऐसी प्रीमियम हो जाएगी कि हमें उस गाय बैल का फिर कंपटीशन कराना पड़ेगा कि भाई किसको फेसबुक पे ज़्यादा लाइक मिलते हैं उसी को सैंक्चुरी ले जाएंगे और दूसरे को फिर सड़क पे छोड़ेंगे और वहाँ पे जो उसकी दुर्गति होती है वो हो। खैर, ऑन अ मोर सीरियस नोट, जब सड़क पे लोग गाय बैलों की दुर्गति देखते हैं ना, तो उनमें से कई लोग कहते हैं यार इससे अच्छा तो इनका स्लॉटर कर दो, इनको मुक्ति मिलेगी। अगर वो उनका स्लॉटर देख लें कि कैसे इनको आलू प्याज की तरह भर के ले जाते हैं ट्रकों में, इनकी टांगें टूट जाती हैं उतारते हुए, इनकी नाक में आँख में मिर्ची डाली जाती है, पूँछ मरोड़ दी जाती है और फिर स्लॉटर होता है इनके सर पर हथौड़ा मार के या किसी ऐसी आरी से जिसमें धार भी नहीं होती, जिसमें जंग लगा होता है, तो ये नहीं कहेंगे कि भाई इससे अच्छा तो इनका स्लॉटर कर दो। वो कहेंगे कि भाई इनकी दुर्गति होने से अच्छा तो ये है कि हम दूध पीना छोड़ दें। ये क्या कर रहे हो सर आप? यार हम व्लॉग के लिए एक बिट शूट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बिटवीन मेघा बेटी जी, वो जो चूचू पीछे तुम्हारे घूम रहा है, अभी तो राजा भी यहीं तंग कर रहा था, चार कुत्तों को तो राधा अकेले चुप करा रही है, और अभी तो हमने शुरू करना है शूट करना। मैं तो भूल ही गया मुझे कहना क्या था।
हाँ तो सर मस्त पड़े हो राजकुमार पे, जैसे सोफे पे पड़े होते हैं। मस्त पड़े हो, और ये सोफा ना पूंछ मार मार के मेरे पे वो फेंक रहा है गौमूत्र। सर वो क्या कहते हैं, एयर प्योरीफायर है सर। हाँ पूरा स्पा ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे, एयर प्योरीफायर और ये वो एक्सफोलिएशन स्किन की। मेरी माँ